हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम विनय सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल ब्रो यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो व्हाट्सएप स्टेटस की वीडियो होती हैं उस पर मोनेटाइज होगा या नहीं, या आपको व्हाट्सएप स्टेटस की वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। तो गाइस, व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो की पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही कर लो बेल आइकन को प्रेस, ताकि मेरी ऐसी ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, क्या होता है कि जब आप व्हाट्सएप स्टेटस की वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहली बात, आपका उसमें फेस नहीं होता है, और जो आप उस वीडियो में इमेजेस, वीडियो या कुछ भी कंटेंट यूज करते हैं तो उस पर आ जाता है कॉपीराइट स्ट्राइक। मान लो आपने कहीं से फ्री कॉपीराइट इमेजेस या वीडियो डाउनलोड कर ली, तो उसमें जो आप सॉन्ग यूज करते हैं उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम आ जाता है। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो व्हाट्सएप स्टेटस की वीडियो होती हैं उस पर मोनेटाइज इनेबल नहीं होगा। अब गाइस, आप बोलोगे कि पहले तो ऐसा होता था। तो गाइस, 2016 या 2017 में ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है 2018 में। गाइस, व्हाट्सएप स्टेटस की वीडियोज पर आप पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन ग्रो होने के बाद अगर आप यूट्यूब पर ग्रो हो जाते हैं तो स्पॉन्सरशिप से आप पैसा कमा सकते हैं। तो गाइस, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप 2 घंटे 3 घंटे व्हाट्सएप स्टेटस की वीडियो में खराब कर देते हैं। इससे तो अच्छा यही है कि आप अच्छे कंटेंट पर अच्छी क्वालिटी में वीडियो बनाएं, ताकि आपका चैनल ग्रो हो और आपका मोनेटाइज भी हो, जिससे कि आप अर्निंग भी कर सकें और आपको लोग आपके चेहरे से पहचानें। तो गाइस, कुछ लोगों ने यह भी पूछा था कि चैनल रिव्यू में चल रहा है मोनेटाइजेशन के लिए, तब चैनल से 2-4 वीडियो डिलीट कर दे तो मोनेटाइजेशन ऑन होगा या नहीं। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आपका चैनल रिव्यू में चल रहा हो मोनेटाइजेशन के लिए, तब आप अपने चैनल से वीडियो को कर देते हो डिलीट, तो गाइस आपका मोनेटाइज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही आपके वॉच टाइम पर, सिर्फ आपके व्यूज कम हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही कर लो बेल आइकन को प्रेस और मेरी वीडियो को कर दो थोड़ा बहुत शेयर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।